किस राज्य के सीएम के लिए हनुमान बने योगी? किस राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाएंगे योगी? किस सीएम को चाहिए सिर्फ और सिर्फ योगी? आखिर किस सीएम को सिर्फ योगी से आस? सूबे के एक सीएम की कुर्सी अब सिर्फ योगी के कंधों पर टिकी है। कौन है वो सीएम? क्यों सीएम योगी ही उनके लिए सहारा है? सब सवालों के जवाब मिलेंगे, मगर उससे पहले याद कीजिए, केरल हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, दिल्ली हो या फिर पंजाब हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां अगर किसी नेता की सबसे ज्यादा बीजेपी में डिमांड रही तो वो कोई और नहीं बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ ही है। देश में तमाम राज्यों के चुनाव इस बात की तस्दीक करते हैं कि हर प्रत्याशी की पहली चाहत कोई और नहीं बल्कि सीएम योगी हैं। चाहत यही कि उनके क्षेत्र में आए सीएम योगी, बस एक बार जय श्री राम बोल दें, प्रचार कर दें, नैया पार हो जाएगी। मगर इस बार तो सवाल एक सीएम की कुर्सी को बचाने को लेकर टिका है, जिसका दारोमदार सीएम योगी के कंधों पर टिका है। खबर पक्की है कि राज्य के एक सीएम की कुर्सी अब सिर्फ योगी के कंधों पर टिकी है और वो सीएम कोई और नहीं बल्कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। सीएम धामी की कुर्सी बचाएंगे योगी? योगी अकेले ही कर देंगे धामी की नैया पार? चंपावत में बीजेपी को चाहिए सिर्फ योगी, सिर्फ योगी। धामी को अब योगी का सहारा। मामला क्या है अब गहराई से समझिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर भले ही बीजेपी उत्तराखंड में आसानी से चुनाव जीत गई, मगर धामी खुद अपनी सीट खटीमा गवा बैठे। ऐसे में बीजेपी के ही विधायक कैलाश ने उनके लिए सीट खाली कर दी जहां उपचुनाव होना है। ऐसे में सीएम की कुर्सी बचानी है तो चंपावत को जीतना धामी के लिए करो या मरो का चुनाव है। तभी तो चंपावत उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने रणनीति के तहत 40-40 धुरंधर नेताओं को प्रचार अभियान का हिस्सा बनाया। तमाम बीजेपी के बड़े से लेकर छोटे धुरंधर को प्रचार की कमान सौंपी, जिसमें कई राज्यों के सीएम से लेकर पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्यों के मंत्री तक इस लिस्ट में शामिल हैं। यकीन नहीं होता तो देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, अनिल बलोनी राज्यसभा सांसद, नरेश बंसल राज्यसभा सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत जो खुद मुख्यमंत्री रहे, मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष हैं, सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री हैं, धन सिंह रावत भी कैबिनेट मंत्री हैं, वगैरह वगैरह सब इस लिस्ट में शामिल हैं। मगर सारे बीजेपी के धुरंधर एक तरफ और योगी एक तरफ। खबर है कि सीएम धामी के रणनीतिकार चाहते हैं कि सीएम योगी सिर्फ एक बार नहीं बल्कि दो बार प्रचार के लिए वक्त दें तो धामी को जीतने से कोई भी राजनीतिक ताकत रोक नहीं पाएगी। बकायदा सूत्र ये भी बताते हैं कि इसके लिए कई बार लखनऊ से लेकर दिल्ली तक फोन की घंटियां बज चुकी हैं कि सीएम योगी हामी भर दें और बस एक बार हाँ बोल दें। वैसे तो सीएम योगी का उत्तराखंड से लगाव किसी से छिपा नहीं है, इसके पीछे वजह बहुत बड़ी है, उनकी जन्मभूमि। और हाँ, हाल ही में बकायदा परिसंपत्तियों के विवाद को सुलझाते हुए सीएम योगी ने समूचे उत्तराखंड का दिल भी जीतने का काम किया है। यानी योगी का नाम ही नहीं बल्कि काम भी बोलता है। चंपावत के लोग, कार्यकर्ता भी लगातार हम लोगों तक भी ये बात पहुंचा रहे हैं कि हम लोगों को एक मौका तो कम से कम हमें भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सुनने का दे दीजिए। एक बार तो योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम लगवा दीजिए। और वो डिमांड कर रहे हैं कि इस बहाने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से वो सब लोग मिल सकें। मुझे लगता है कि उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन भी ये कोशिश कर रहा है कि लोगों की इच्छा के अनुसार योगी जी का एक कार्यक्रम हमें कोई मिल जाए तो ये कहीं ना कहीं लोगों की जो इच्छा है वो पूरी की जा सके। साफ है योगी से आज सीएम धामी और समूची बीजेपी की बेईमानी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में योगी के शासन और काम करने के तरीके का डंका बज रहा है, उसके मुरीद अगर सीएम धामी भी हैं, तो हैरानी किसी को नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी करेंगे धामी के लिए चमत्कार? अब देखिए, ये एक है बड़ा सवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।